हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है योद्धा स्पोर्ट्स चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्यूक्यू अकाउंट के बारे में। आपको पता ही होगा काफी लोगों का अभी क्यूक्यू अकाउंट फ्रीज हो रहा है, तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे आपको उसको अनफ्रीज करना है और कैसे अपने अकाउंट को आपको प्रोटेक्ट करना है। और अगर आप जानना चाहते हैं क्यूक्यू अकाउंट कैसे बनाना है, तो टॉप राइट साइड में आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और क्यूक्यू अकाउंट से रिलेटेड जो स्पेशल वीडियो है वो 1 से 2 दिन बाद चैनल पर आ जाएगी। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं वी चैट, क्यूक्यू अकाउंट या गेम फॉर पीस से रिलेटेड, तो मैं सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जैसे कि गेम फॉर पीस में अगर आपकी पिंग ज़्यादा आ रही है तो कैसे फिक्स करना है, या गेम फॉर पीस में अगर रियल आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहा है तो कैसे लॉग इन करना है, या फिर अगर कुछ इरर मैसेज आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। क्यूक्यू अकाउंट में अभी एक नया सिक्योरिटी अपडेट आया है, जिसमें अगर आप एक ही अकाउंट को डिफरेंट आईपी एड्रेस से या डिफरेंट डिवाइसेस में अगर एक्सेस करते हो, तो उसको लगता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है या किसी ने आपका अकाउंट बिना आपकी परमिशन के एक्सेस किया है, तो वो आपके अकाउंट को टेम्परेरी बैन कर देता है फॉर आपके अकाउंट के सेफ्टी के लिए। एक और भी इसका रीज़न हो सकता है कि अगर आप अपने क्यूक्यू आईडी को किसी अनऑफिशियल एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तब भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मुझे काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया है कि जब वो एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, जैसे कोई नया वर्जन आता है क्योंकि उससे रिलेटेड, तो दोबारा लॉगिन करने पे उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली है, क्योंकि जैसे ही हम अपडेट करते हैं तो लॉगआउट हो जाता है हमारा अकाउंट और हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है, और उस टाइम में हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो अगर आप अपने क्यूक्यू अकाउंट को सेफ रखना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अकाउंट को कैसे अनफ्रीज करना है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद इस ब्लू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक पजल सॉल्व करने का ऑप्शन मिलेगा, उसमें सिंपली आपको इस पजल को ड्रैग करके यहाँ पे फिक्स कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा आपकी डिटेल्स दिखेंगी, आपका अकाउंट कब फ्रीज हुआ था और किस रीज़न की वजह से फ्रीज हुआ था, सभी यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। सिंपली आपको इस ब्लू बटन पे नीचे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा और एक नंबर रहेगा, उस पर आपको मैसेज सेंड करना होगा। मैसेज सेंड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम पर आप लॉग इन करिएगा। बेसिकली इसमें 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि आपका जो अकाउंट फ्रीज हुआ है उसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो कुछ दिन के लिए वो आपका रिव्यू में रहता है। रिव्यू करने के बाद अगर आपकी सारी डिटेल सही रहती है तो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाता है। जैसे अगर हम इस अकाउंट की बात करें तो ये अकाउंट 1 दिन 37 मिनट और 46 सेकेंड रिव्यू में रहने वाला है। अगर सारी डिटेल सही हुई तो हमारा अकाउंट ईजिली अनफ्रीज हो जाएगा। मैसेज आपको कहाँ पे सेंड करना है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, नहीं तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो ऊपर जो आपको दिख रहा है JF960295, ये आपका कोड है, ये बार बार चेंज होता रहेगा। और जो आपको नीचे दिया गया है 10690700069, ये है नंबर, ये फिक्स रहता है। इसी नंबर पर आपको कोड सेंड करने होंगे, जो भी आपका कोड रहेगा। मैसेज सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और कुछ लोगों ने मुझे फीडबैक दिया था कि उनका कोड सेंड नहीं हो पा रहा है उस नंबर पर, तो उसके लिए अभी कोई सलूशन नहीं है भाई। पर आपके लिए एक एडवाइस है कि आप एक नया क्यूक्यू अकाउंट क्रिएट कर लें किसी नए नंबर पर और उसे थोड़ा सेफली यूज़ करें। और अगर आपको क्यूक्यू अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो थोड़ा वेट करिए मेरी स्पेशल वीडियो का, उसे देखने के बाद आप 100% क्यूक्यू अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अपना भी और दूसरों का भी। और काफ़ी लोगों ने मुझे DM करके एक सवाल पूछा था कि क्या जो हमारा क्यूक्यू अकाउंट फ्रीज हो रहा है वो इसलिए क्योंकि गेम फॉर पीस में चाइनीज प्लेयर्स हमारे ऊपर रिपोर्ट कर दे रहे हैं इस वजह से। तो ऐसा नहीं है भाई, ये बस एक मिथ है, क्योंकि अगर कोई भी रिपोर्ट करेगा तो आपका गेम फॉर पीस का अकाउंट फ्रीज होगा, ना कि क्यूक्यू अकाउंट। जैसे आपने अपना पबजी का अकाउंट फेसबुक से लॉगिन किया हुआ है तो आपके पबजी के अकाउंट बैन हुआ या कुछ भी हुआ, उससे आपके फेसबुक से कोई मतलब नहीं रहता है। तो सेम सिनेरियो यहाँ भी है, आपका गेम फॉर पीस और क्यूक्यू अकाउंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इससे एक दूसरे का कोई भी रिलेशन नहीं है, बस ये एक्सेस देता है आपको गेम खेलने का। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे गेमिंग और टेक से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव न्यूज आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्कार। कहाँ जा रहे हो भाई, चैनल तो सब्सक्राइब करो।